नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं कुंडली टीवी की खास पेशकश आपका राशिफल में। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं आपका शुभ अंक, आपका शुभ समय, आपका शुभ रंग और आपकी शुभ दिशा। राशि अनुसार उपायों के साथ साथ आपको बताएंगे जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ का विशेष उपाय, और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे आज का महा उपाय जो आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर भगाए। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ है। किसी कॉलेज से लेक्चरार के लिए जॉब का ऑफर भी आ सकता है। आज आपके घर में अचानक कोई करीबी रिश्तेदार भी आ सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व, शुभ समय रहेगा शाम को 6 से 7:30 तक का, और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर चढ़े गोलोचन से तिलक करें अपने मस्तक पर। बात करते हैं दूसरे राशि वृष की, यानी कि टॉरस की। आज आपका दिन खास रह सकता है। आपके सोचे हुए सारे काम पूरे हो सकते हैं, साथ ही अपने पिता के बिजनेस में सहयोग भी आप कर सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनेंगे। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आज वो किसी सामाजिक काम में हिस्सा ले सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ दिशा रहेगा आपका दक्षिण, शुभ समय रहेगा शाम को 3 से 4:30 तक, और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर तुलसी पत्र चढ़ाकर तिजोरी में रखें। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन यानी जेमिनी की। आज आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है, साथ ही तरक्की के नए मार्ग भी खुल सकते हैं। आज खुद की परेशानी पेरेंट्स से शेयर करेंगे तो निश्चित ही आपका सहयोग जो है, आपको सहयोग मिलेगा पेरेंट्स का और समस्या का हल मिल जाएगा। इस राशि के जो जमींदार हैं या जमीन से काम करने वाले लोग हैं, उनको आज फायदा होने वाला है। करियर की नई शुरुआत भी हो सकती है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, शुभ समय रहेगा शाम को 4:30 से 6:00 तक का, और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर मिश्री चढ़ाकर किसी कन्या को दान करें। बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। आज आय की तुलना में व्यय की मात्रा अधिक रह सकती है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पॉजिटिविटी के साथ पूरा करें। इस राशि के जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं, आज खरीद सकते हैं। डिस्काउंट मिलने की पूरी संभावना बन सकती है। स्टूडेंट्स का मन आज पढ़ाई में लग सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा रहेगी उत्तर, और शुभ समय रहेगा 7:30 से 9:00 तक का, और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर चढ़ा चांदी का सिक्का गले में रखें। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की। आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। आज अपने व्यवहार में आप थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और इसकी आपको ज़रूरत भी है। ऑफिस के काम से आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे मन आपका प्रसन्न रह सकता है। लवमेट के साथ आप बाहर डिनर का प्लान भी बना सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम, शुभ समय रहेगा दिन में 1:30 से शाम को 3:00 तक का, और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं। बात करते हैं छठी राशि कन्या यानी वर्गों की। आज आपकी किस्मत आपका साथ दे सकती है, कामों में सफलता भी मिल सकती है। इस राशि के जो बिल्डर्स हैं, उनको आज अचानक काफी फायदा हो सकता है। लवमेट आज साथ में टाइम स्पेंड कर सकता है, जिससे रिश्ते आपके मजबूत हो सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व, शुभ समय रहेगा शाम को 4:30 से शाम 6:00 तक, और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर कुशा चढ़ाकर किसी नोटबुक के बीच में रखें। बात करते हैं राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर में कामों को पूरा करने के लिए परिवार वालों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा और आप भी परिवार के लोगों का सहयोग करेंगे। आज जॉब में तरक्की मिल सकती है। जीवन साथी से सलाह लेंगे तो फायदे में रहेंगे। पैसे कमाने की योजना भी आज आप बना सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण, शुभ समय रहेगा शाम को 3 से 4:30 तक का, और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर मोगरे का इत्र चढ़ाएं।
बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। इस राशि के जो लोग बिजनेसमैन हैं, आज उनकी कंपनी की किसी ऐसी कंपनी से डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में फायदे के लिए सौदा हो पाएगी। इस राशि के जो प्रोफेसर्स हैं, आज का दिन उनके लिए धन लाभ का नए रास्ते खुलने का दिन है। इस राशि के विवाहितों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व और शुभ समय रहेगा शाम को 6 से 7:30 तक का। और उपाय के तौर पर तुलसी की माला से ओम वैकुंठ पते नमः इस मंत्र का जाप करें। बात करते हैं नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की। आज आप कार्यक्षेत्र में कई अहम फैसले ले सकते हैं। किसी अनुभवी की मदद से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के विवाहित आज कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य खुश रह सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व, शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से 12:30 तक का। और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर चमेली का फूल चढ़ाएं। बात करेंगे दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। आज ऑफिस में काम से विदेश यात्रा के प्लान बन सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है नियर फ्यूचर में। साथ ही नौकरी पेशा वाले आज का दिन बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम और शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक का। और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की कपूर जलाकर आरती करें। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। कुंभ राशि वालों, आज आप जरूरी कामकाज निपटाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आप सफल भी रह सकते हैं। अचानक धन लाभ की उम्मीद भी है। भाइयों से किसी काम में आपको सहयोग भी मिल सकता है। लवमेट के साथ आइसक्रीम खाने भी आज आप बाहर जा सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम, शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक का। और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु पर नारियल चढ़ाकर किसी कन्या को दान करें। बात करते हैं 12वीं राशि मीन यानी पाइसिस की। आज आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप जा सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके बिजनेस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकता है। लवमेट आज अपने पार्टनर को ड्रेस गिफ्ट कर सकता है। इस रिश्ते में जो आई हुई दूरियां हैं वो नजदीकियों में बदल सकती हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व, शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से 12:30 तक का। और उपाय के तौर पर चंदन की माला से ओम चक्र धराय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो फ्रेंड्स, अब समय आज के महाविशेष उपाय का। ये वो उपाय है जो आपके जीवन के सभी प्रॉब्लम्स को दूर भगाए। क्या करें आप, 5 सिक्कों पर इत्र लगाकर पितृयंत्र पर चढ़ाकर भिखारी को दान कर दीजिए, इससे आर्थिक हानि से मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब अपने मित्र, अपने सखा कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ तो बेहतर हो। लेकिन जाने से पहले आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी समस्या में हैं तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल्स, अपने जन्म विवरण जरूर लिखें। 7x7 के अंदर अपनी समस्या और अपना टेलीफोन नंबर, हम आपसे लाइव सेशन पर सीधे रूबरू होंगे। और खास बात क्या, कुंडली टीवी के यूट्यूब चैनल को और कुंडली टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।